ये जंगल में एक जिम कन रतालू टाइप है ना, कंदा, उसका लो है। ये निकालने के लिए मेरी भाइया लोग ने जंगल पे गया था। ये बहुत मेहनत से निकालते हैं लोग, और लेकिन इसमें बहुत टेस्ट वाला भी एक कंदा मिलता है। बहुत अच्छा भी लगता है खाने के लिए, बहुत स्वादिष्ट भी है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जुहार, आप सब लोग कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड लोग। मैं मेरी गॉड के पास दुआ करती हूँ और बिलीव भी करती हूँ। मेरी सारी फ्रेंड लोग सही सलामत है। और आज मैं एक जंगल में कैसे कंदा निकालते हैं, मतलब याम जिमिकन्ना रोतालू से बोलते हैं ना, ऐसे टाइप का जंगल में है, कंदा बोलते हैं, लेकिन उसको ओरिजिनलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो कितना मेहनत से निकालते वो सब मैं आज आप लोग को शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, एक छोटा सा लो से मिट्टी खुल खुल के इतना बड़ा गाढ़ हो गया, और उसका अंदर ये पत्थर भी है। पत्थर भी बहुत मेहनत से भाई ने निकल रहा बाहर। और ये कंदा निकालने के लिए बहुत बहुत मिट्टी खुलते हैं, बहुत लॉन्ग टाइप पे ही खुलने का बाद ये आता, एक किलो नीचे जाता, उसको देख देख के ऐसे मिट्टी खुलते हैं। लेकिन उसमें जो कंदा बाहरता ना निकलता ना, जिमकन रतालू टाइप का ऐसे कुछ जंगल से, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा सा निकली, बहुत इतना गाढ़ खुलने का बाद, इतना मिट्टी करने का बाद, तो ये भाइया ने निकाला उसको। और आप लोग प्लीज़ ये वीडियो फुल तक एंजॉय करिए, वेट कर दिए। और देख सकते हैं जंगल में पहले वाला लोग ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को खाने पीने का भी नहीं था ना, उसी टाइम थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। तो जंगल में जब काम करने के लिए जा रहे थे, नहीं तो जंगल जाके ये सब निकाल के खा रहे थे। लेकिन ये ऐसे नहीं, अभी बहुत मेहनत भी है, मेहनत करते उसका प्राइस भी बहुत है। मार्केट में भी ये सेलिंग करते, ऐसे निकाल के लेकर आते, उसका दाम बहुत है, बहुत रेट है। और उसका टेस्ट इतना टेस्ट ना, मतलब आप बोल नहीं सकते, सबसे बहुत टेस्ट है उसका ये कंदा का टेस्ट, ये रोतालू का। और आप लोग तो शहर का लोग ये इसके बारे में तो मालूम नहीं ना, ये कैसे निकालते। अरे भाई, छोटा सा कंदा के लिए इतना मिट्टी खुलना क्या ज़रूरत है, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन पहले का लोग ना ये ऐसे ही करके वो लोग खुद का भूख प्यास सब मिटा रहे थे, और उसको ऐसे धीरे धीरे करके निकालते हैं बाहर। लेकिन ये एक एक लो में ना जो कंदा मिलेगा ना, बहुत मिलता है, और ऐसे सब लो में नहीं मिलता है, आप देखा। लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत ये मिट्टी खुलने के बाद ये मिला। एंड इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकाल निकाल के, ये सब जितना भी कंदा है ये सब निकालते हैं। बहुत मतलब बहुत मेहनत करके ये निकालते हैं गांव का लोग। लेकिन अभी ये जो लोग खाया ना, उसको तो मेहनत कुछ भी नहीं लगेगा, खाने के लिए ही मन आएगा वो लोग, इसलिए उसका स्वाद जिसको मिली वो लोग का सामने मेहनत कुछ भी नहीं है। और कौन खाएगा भाई, मुझे कमेंट में बता दो प्लीज़। मेरी गांव जब आओगे ना, मैं ये खिलाऊंगी आप सब लोग को, मेरी फैमिली लोग को बोल के। आने देखा आपने, बहुत मेहनत करके ये थोड़ा थोड़ा निकाला, ऑलरेडी ख़त्म हो गया। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दिल से आप सब लोग को, मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड लोग। और ये थोड़ा थोड़ा निकाल के लास्ट पोजीशन आके जंगल में ही कुक कर लिया ऑलरेडी सब लोग। ये थोड़ी के लिए कितना मेहनत किया, एक मिट्टी का हांडी भी लेकर गया था भाई लोग जंगल में ही, उसमें कुक करके खाने के लिए। ऐसे भी खाना भी लेकर गया था टिफिन में, ज़्यादा टाइम निकलता ना वो निकालने के लिए। आप देखा है इतना बड़ा मिट्टी का होल खुलने का बाद, इतना कोम कंदा मिला है, इतना थोड़ा सा, लेकिन इसका जो स्वादिष्ट है ना, टेस्ट है ना, जो खाया वो भी छोड़ेगा नहीं, जितना भी मेहनत हो खरीद के लेने के लिए सोचेगा। तो ये लोग जंगल में ही पार्टी बनाया और बाकी का घर लेकर आया। थैंक यू सो मच ऑल।